जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ बोयों टॉप पर। बोयों टॉप एग्जैक्टली जो है वो कलाम के बिल्कुल ऊपर मौजूद है। आप दरिया के दूसरी साइड पर अगर जाएं तो वहाँ से ऊपर के लिए जो है वो जीप्स का रास्ता अवेलेबल है, लेकिन वो सिर्फ गर्मियों में आ सकती हैं। सर्दियों में आने के लिए यहाँ पर आपको जो है वो ट्रैक करना पड़ता है। मेरे जो है वो सारे दोस्त जो है वो उन्होंने कोशिश की, लेकिन हम चार लोग ही जो है वो मैनेज कर सके यहाँ पहुँचना। बाकी लोग जो है वो कुछ सिकनेस और तबीयत की नासाजी की वजह से मिस हो गए, और कुछ स्लिपरी ट्रैक होने की वजह से। इंतहाई खूबसूरत जगह है, हल्की स्नोफॉल शुरू हो चुकी है। मैं आपको लिए चलता हूँ अपने दोस्तों के पास जो मैनेज कर सके यहाँ। आइए उनसे बात करते हैं। अच्छा भाई, अवैस भाई, आपके कुछ कमेंट्स चाहूँगा यहाँ पहुँचने के बारे में और आपके एक्सपीरियंस के बारे में मुझे बताएं। अभी मतलब नहीं, प्लीज, टाइम कम है और बैटरी नहीं है। थोड़ा टफ था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लाजमी करना चाहिए। और बहुत डिफरेंट है, समर में आप आए, समर का एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट होता है, विंटर का टोटली डिफरेंट है। आप सेम जगह पर आपके समर में आए भी हैं तो विंटर में लाजमी है। थैंक यू रिजवान, आपके कमेंट्स चाहूँगा कि आप यहाँ पे पहुँचे हैं, आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है माउंटेन्स पे आने का और खुसूसन सवात वैली में बोयो मेडोज पे आने का और स्नो पे आने का। ज़्यादा ऊँचा भी करूँ इंशाल्लाह। तो तजर्बा कैसा रहा यहाँ पहुँचने का? तजर्बा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है अगर आए तो इधर, अगर ना आए तो बहुत बातें सुनी है कि ऐसा होता है, वो सब झूठ है, कैसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, नहीं बहुत मज़ा आता है, आराम से आ जाता है। टफ है? हाँ टफ है, थोड़ा सा, इतना ज्यादा नहीं है। चैलेंज है लोगों के लिए यहाँ? हाँ चैलेंज है। थैंक यू मैम। मैम अलजनीना, आपके कमेंट चाहूँगा यहाँ पे पहुँचने के लिए कि आपने कैसा एक्सपीरियंस है ये आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और लोगों को आना चाहिए, खवातीन को ज़रूर आना चाहिए, अपने घरों से निकलें और वर्ल्ड को एक्सप्लोर करें, बहुत खूबसूरत जगहें हैं और खासकर ये बोयोन तो बहुत ही, मैं आई हूँ लेकिन मैं समर में आई हूँ, विंटर तो अपनी जगह ब्यूटीफुल बहुत ज़्यादा। मैम रुखसाना मिस हो गई हैं हमारे साथ। हाँ, तो वो थोड़ी सिकनेस फील कर रही थी इस वजह से वो मिस हो गई हैं। अजीज़ भाई बीमार थे वो मिस हुए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा जो दोस्त मिस हुए हैं इंशाल्लाह ताला वो भी यहाँ पे आएंगे और इस इंतहाई अमेजिंग एक्सपीरियंस को जो है वो एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी पाक टूर्स कोशिश करता रहेगा कि आप लोगों के लिए नई नई जगह, नए नए एरियाज और अच्छे से अच्छे एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर करता रहे। ये जल परी हैं सामने, लेकिन अभी टोटली जो है वो बादलों से कवर हो चुका है। यहाँ पे जो है वो पूरी पीक्स हैं जो स्नो कवर्ड होती हैं, लेकिन अभी जो है वो ढक चुकी हैं, नज़र नहीं आएंगी। तो कोशिश करेंगे अगर वापस जाने से पहले अगर थोड़ा सा व्यू मिला तो ज़रूर देंगे। अभी हम नीचे बोयों गांव की तरफ मूव करेंगे और नीचे गांव में चाय पीने के बाद हम वापस कलाम की तरफ मूव करेंगे इंशाल्लाह। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तू हमेशा हमें अमेजिंग एक्सपीरियंस देता है हमेशा, और एक्सपेक्टेड है कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट 11 से 15 जो एक्सपीरियंस होगा वो भी कुछ टॉप पे ऐसा मिलेगा। तो इस वक्त ये बेयों टॉप है, बेयों टॉप का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, स्नोफॉल बहुत मज़े की हो रही है और अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह यहाँ पे 5 मिनट की